आप देख रहे हैं CWT प्राइम टीवी, बात सिर्फ आपके हक और सच की। पर आज दे समय में मैं कल एक वीडियो देख रहा सी, पहला भी कई घटनावां हो गई ने अपने संसार विच जिहड़े ग्रंथी सिंह ने असीं उन्हां नूं कह ते देता कि गुरु दे वजीर ने कहण विच कह दीता कि गुरु दे वजीर ने कि असीं गुरु दे वजीरां दा कदे सत्कार कीता। कल वीडियो देखी, एक ग्रंथी वीडियो पा रहे, सारे नूं पता है कि लॉकडाउन है, संसार दे भयानक बीमारी चल रही है, पर फिर भी उस ग्रंथी कोई समाणी दा परविंदर सिंह ग्रंथी पातना गुरद्वारा साहब डिप्टी करदा है, उहदी वीडियो आई कि मैनूं कमेटी ने इतों जवाब दे दिता है। हुण लॉकडाउन दे विच मैं कित्थे जावां अपना समान लैके, ना कोई नौकरी है, बच्चे लैके कित्थे जावां। कहिंदे सी गुरु घर दा वजीर ग्रंथी कह दिंदे आ। कुछ दिन पहलां लुधियाणे तों वीडियो आई सी, ग्रंथी सिंह नूं इह कह के जवाब दे दिता सी कि असीं तनखाह नहीं दे सकदे गुरद्वारे विच, गले दे पैसे नहीं हुंदे, तनखाह नहीं दे सकदे, तुसीं अपनी इत्थों गुरद्वारे साहिब ते चले जाओ। जे गुरु घर दे विच रह के जिस ग्रंथी ने सरबत दा भला मंगना है, जिस ओही ग्रंथी नूं असीं धक्के मार के गुरु घर तों कढ दईए, जवाब दईए इहदे औखे टाइम ते, फिर साडा भला कित्थे होवेगा। सब तो औखा टाइम ग्रंथी सिंह नूं उदों आ जांदा है जदों कोई प्रबंधक ग्रंथी नूं जवाब देंदे ने ना, उत्थे कल्ला ग्रंथी सिंह नहीं, गुरद्वारा साहिब तों जांदा ग्रंथी सिंह दा सारा परिवार ही खजल खुआर हुंदा है। भावें ग्रंथी सिंह नूं किते ना किते ड्यूटी मिल जावे, पर जिहड़े ग्रंथी सिंह दे बच्चे ने ना, जे फर्ज करो दो बच्चे ग्रंथी सिंह दे ने, अलग अलग क्लासां विच पढ़दे ने, उहनां दी पढ़ाई, उहनां दा जीवन खराब हो जांदा। गुरु सतनाम, असीं कल्ले ग्रंथी सिंह नूं गुरद्वारे नहीं कढ़दे, ग्रंथी सिंह दे बच्चों का भी जीवन खराब कर देते हैं। फिर असीं कह दिंदे हां कि गुरु के वजीर ने कदे हालात जाण के देखियो ग्रंथी सिंघां दे, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार तनखाहां ते ग्रंथी सिंह बैठे ने। अज के समय में 4,000 रुपया हुण बच्चों के पेपर हो, एडमिशन भरनी होवे ना, 4-5 हज़ार रुपया एडमिशन वाले लै जांदे ने, ते पूरा महीना ग्रंथी ने फिर बच्चों को पाउणा। असीं कहिंदे कि साढ़े गुरु का वजीर है, कि साढ़े गुरु के वजीर का जीवन वधिया नहीं होना चाहिए। हाँ, जरूरी नहीं कि सारे प्रबंधक इदां दे कितें कितें बाहर जाइए ना, बड़ा वधिया सुचजे ढंग नाल ग्रंथी सिंह की रिहायश बनाई, बड़ा सत्कार करते हैं, कितें कितें है जिथे ग्रंथी सिंह नूं कितें कितें ग्रंथी सिंह का सत्कार नहीं किया जाता। पर साहब कहिंदे कि जिवें बाबे बुढ़े जी नूं इन्ना मान बख्शिश किया गुरु अर्जन देव महाराज ने, मैं एक दिन इंटरव्यू सुन रहा सी भाई हरभजन सिंह दी, उत्थे अपने पटियाले ते कोई सिंह गए, बड़े सियाने बजुर्ग गुरु घर दे प्रधान सी, उन्होंने कहा कि बाबा बुढ़ा जी ने कदे नहीं किसी कोलों मंगिया, जिवें अज ग्रंथी करते ने मंगते ने इन्नी तनखाह होवे, जां बच्चों लिए रहिशां चंगीआं मंगते ने, पर बाबा बुढ़ा जी ने मंगिया नहीं किसी तो। फर्ज करो कि कोई ग्रंथी सिंह कहते मैनूं पैसे ना दिओ, मैं फ्री सेवा करदा, कोई जिम्मेवारी लैंदा कि ग्रंथी सिंह दे बच्चों की पूरी पढ़ाई चकदा, कि ग्रंथी सिंह कोई बीमार होंदा तां परिवार बीमार होंदा, उहदा मैडिकल का खर्चा कोई चकदा, कितें ग्रंथी सिंह ने कि विआह शादी ते जाना है, उहदा कोई उत्थे विआह शादी का कोई खर्चा चकदा, ग्रंथी सिंह दे बच्चों के कपड़े लीड़ियां का कोई खर्चा चकदा, ग्रंथी सिंह जिहड़े ने फ्री सेवा करन नूं भी तैयार ने। पर ना जिदा साढ़े घर में खर्चे ने ना, इदा तो ग्रंथी का परिवार है, गृहस्थी है, ग्रंथी भी वो भी खर्चे ने, असं भी चाहते हाँ जिते असी गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन बाणी का सत्कार करने, उ गुरु का वजीर जिहड़ा जिन्होंने साढ़े कन्नां दे विच पावन बाणी पाणी है, जिन्हें सानूं बाणी का ज्ञान वंडना है, असी कहने वो तो घर घर डाली मंगी। पिंड विच आ के माड़े तो माड़ा बंदा भी ग्रंथी ते आ के रूह मार लैंदा है, ग्रंथी फिर भी निम्रता दे गुजारी ने, किसी अगे बोलते नहीं, सारे पिंड की जनानी बन के रहना पैंदा है ग्रंथी नूं, सारे दी गल्लां सुननियां पैंदियां ने, क्यों
फिर असं कहने कि गुरु का वजीर है ग्रंथी जी, गुरु के वजीर का सत्कार इन्हें किया तो सुख कितों पाला है, जिन्हें गुरु ग्रंथ साहब महाराज के पावन स्वरूप सिरे अमृत वेले प्रकाश करना, सुघासन करना, सेवा करनी, जिन्हें गुरु ग्रंथ साहब की जिद तो असं गुरु ग्रंथ साहब तो मंगते हैं, अरदास करके सुख मंगने, दाता मंगने, उस ग्रंथी को असं इदा हालातों में कढ़ के मिनट सोचते नहीं, मिनट च कढ़ के बाहर मारने गुरद्वारे तो सानू की हक है, गुरुद्वारा सारे का साझा है। ग्रंथी सिंह फ्री सेवा भी करने तैयार ने गुरुद्वारे दे विच, पर जे ग्रंथी सिंह दे जिहड़े सारे खर्चे कोई चक्कर नूं तैयार होवे कि 4000 दे विच असीं ग्रंथी सिंह दे सारे खर्चे पूरे हो जांदे ने, जे साडे गुरु घर दे विच ग्रंथी सिंह दा खर्चे नहीं पूरे होणगे, साडे बाहर लंगर लाए, हुण कईआं ने लंगर लाए ने पर सच जाणो कदे ग्रंथी सिंह नूं पुछ के, किसी ने ग्रंथी नूं पुछिया ही नहीं, ज्ञानी नूं पुछिया नहीं कि बाबा जी तुहाडे घर भी कोई आटा हैगा, किसी चीज़ की लोड़ हैगी, तुहानूं लोड़ है असीं दे दईए। कईआं ने वीडियो भी पाईआं, कईआं कोल खाण नूं नहीं है गुरुद्वारा साहिब, साडा लंगर लाया की करेगा जे असीं घर दे विच पहला डिगे ही नहीं मारी, बाहर माँ प्यो ने पानी नहीं पुछिया, बाहर छबीलां ला लईआं, उहदा फायदा की है। सेवा ते तुहाडी वी परवाल है जिहड़ी घर तों शुरू कर लई, गुरद्वारे दा ग्रंथी कोल आटा नहीं, कोई खाण नूं नहीं, असीं बाहर लंगर ला दिते, उह ग्रंथी सिंह दे अंदरों आवाज़ की निकली, क्योंकि जदों असीं ग्रंथी सिंह नूं रखदे आ ना, ਜਦੋਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਗ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਸਰਹੰਦ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਕਾ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਘੰਟਾ ਦੋ ਅੱਗੋਂ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਣ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ ਬਣਾਓ, ਇਹ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ। आप देख रहे हैं CWT प्राइम TV, बात सिर्फ आपके हक और सच की।